एक तरफ बॉलीवुड में फिल्म फेयर का काफी शोर रहा और राजकुमार राव इरफान खान बेस्ट एक्टर बनने पर छाए रहे, लेकिन यहाँ इधर फिल्म फेयर अवार्ड बन रहा था, वहीं सलमान खान एक इंटरनेशनल अवार्ड ले रहे थे। तेहरान स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान को बेस्ट एक्टर 2018 के अवार्ड से नवाजा गया। चलिए अच्छा है, कम से कम सलमान कहीं अवार्ड्स जीत रहे हैं, क्योंकि फिल्म फेयर ने इस साल उनकी दोनों फिल्में टाइगर जिंदा है और ट्यूबलाइट को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और इरफान खान को बेस्ट एक्टर पॉपुलर का अवार्ड दिया गया। पिछले साल तक भी सलमान से लेकर अक्षय ने रिकॉर्ड नॉमिनेशंस पाए थे, लेकिन किसी की किस्मत आज तक नहीं चमकी।